नमस्कार भाई दोस्तों, कई दिनों से आकलन कर रहा था मैं सोशल मीडिया आप लोग आखिर में चाहते क्या है, और जो उनकी सच्चाई है ना वो बहुत अच्छी तरह से खुलकर सामने आती है। फिर आप इंतज़ार करो, थोड़ा सा सब सामने आ जाता है। जब तक आप जिंदा हो लगे रहेंगे आगे बढ़ते रहो, हम साथ हैं, ये है। हकीकत में यह कि साथ कोई नहीं होता, वो हाँ वो तब साथ आते हैं जब आप दुनिया में नहीं रहोगे, तब ज़रूर आएंगे एक बार अपनी भीड़ दिखाने के लिए, और फिर आकलन करेंगे। दीपशित दुगे, अरे इतने थे, लाखों आदमी थे दीपशित दुगे अर्थी के पीछे, अच्छा सिद्धू मूसेवाले के पीछे इतने लाखों आदमी थे, वो आकलन करते हैं फिर वो घर पे बैठ कर आराम से। सच्चाई इतनी कड़वी है जो लोगों से सुनी नहीं जाती, और सच यही है। जब तक आप जिंदा हो तब तक गालियाँ देने वाले भी मिलेंगे, आपको गालियाँ देते रहेंगे नीचा आपकी पोस्टों पर देखना आप कभी भी, नहीं तो आप जाओ या दीपशित दुगा पेज उठा के देख लो, पीछे के वीडियो देख लो, उसमें आपको गालियाँ भी मिलेंगी, आगे बढ़ते रहो ये कहने वाले भी मिलेंगे, या सिद्धू मूसेवाला का वीडियो देख लो आप, उनका पेज उठा के देख लो, पीछे के वीडियो देखना, अभी तो कोई नहीं कहेगा। ये है सच्चाई आज के समय के लोगों की और आज की यूथ की सच्चाई। इनको कितना ही समझाते रहो, ये इंतज़ार करेंगे, अब इंतज़ार करेंगे अगला सिद्धू कौन मिलेगा इनको, जहाँ पर ये जाएँ फिर मोमबत्ती उठाएँ और सत सत नमन लिखें, ये इंतज़ार करते हैं। चिंता जी इनको कोई कितना ही समझाता रहे कभी भी नहीं समझेंगे। अगले को ये सोचते हैं बस ये ऐसे बोलता बोल के चला जाता, अपनी टीआरपी चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसके अंडर में 50 कॉलेज आते हैं, अब उस पर कब्जा करने जा रहे हैं और पंजाब का कब्जा हटाया जा रहा है। सच्चाई है ये, रोक लेना, क्योंकि लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से बनाई यूनिवर्सिटी है, वो उसको वो कर रहे हैं, कब्जा करेंगे। अब कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, चिल्लाएंगे बस सोशल मीडिया पर, चिल्ला सकते हैं सोशल मीडिया पर, कहेंगे ये करो वो करो। बहुतों को तकलीफ होती थी, कभी ग्राउंड पर नहीं करता, अगर ग्राउंड पर नहीं करता तो फिर मैं तकलीफ क्यों हुई भाई, फिर किस लिए उठाया गया मेरे को अगर मैंने ग्राउंड पर कुछ नहीं किया गया था तो, फिर किस लिए सजा के चक्कर में रहते हैं लोग कि हाँ ये कहीं फंसा है हमारा और हम इसको फिर देख लें। ऐसा है मेरे भाई, ये सच सच नमन और मोमबत्ती उठवाने के लिए हम काम नहीं कर रहे। किसी की समझ में आती हो तो ठीक है, नहीं समझ में आती ठीक है, जिसको गाली लिखनी हो तो गाली लिखेगा, क्योंकि वो पैदा उस कीचड़ में होया है, उसने सीखा वही है, और जिसको लिखना आगे बढ़ते रहो वो यही लिखेगा। शाबाशी देने वाले, या जब आपके ऊपर मुसीबत आएगी ना, या तो आपका परिवार साथ मिलेगा या आपका यार दोस्त जो बहुत ही ज़्यादा खास होगा ना वो साथ मिलेगा, बाकी सोशल मीडिया वाले साथ नहीं मिलेंगे, कहीं आप चक्कर में रह जाओ। ये है सच्चाई, सच्चाई से मुँह फेर कर भागना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाती है, सच बहुत कड़वा होता है, सुनाया नहीं जाता बार बार। बीच में मैंने भी कई बार बोल लिया था, लेकिन वहाँ पर वही बात है, आगे बढ़ो हम साथ हैं, ये है वो है, उसके बाद फिर आकलन करते हैं, अरे यार इसको पुलिस ने उठा लिया, कुछ तो गलत किया होगा, कोई ना गड़बड़ की होगी, वो जो फैला दिया गया कैसे हो गया, मेरे पूरे परिवार को खालिस्तानी बोल दिया, कौन से खालिस्तान का वो किया था, खालसा राज की बात की थी ना, लेकिन पूरे परिवार को खालिस्तानी घोषित कर दिया, कौन आया भाई बीच में, आया कोई बीच में कहने के लिए कि कैसे बोल दिया, नहीं आया। यार सच्चाई, मैं पहले शुरू वाले दिन से एक बात बोलता है, अगर सच्चाई बहुत कड़वी होती है लोगों से सुनी नहीं जाती, फिर वो बस आएंगे कमेंट करेंगे चल दिए, इतना ही है ना, और यही सोशल मीडिया है, बहुत बुरी है सच्चाई। लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं अगला सिद्धू कौन मिलेगा उनको, लोग उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। वो लोगों को जिस समय पर समझा रहे थे ना, किसके लिए लड़ रहे थे, वो अपने घर के लिए लड़ रहे थे क्या, या अपने परिवार के लिए लड़ते हुए गए, लोगों को समझा रहे थे लेकिन लोगों ने नहीं समझा। उसके बाद लोगों को निकाला, अरे उसके गानों में ये सच्चाई होती थी, दीप सिद्धू जो बात बोल रहा था वो सच थी, हाँ भाई यही होने जा रहा है, ये सच है, फिर लोग निकाल के लाते पीछे वाले वीडियो, फिर पीछे वाले वीडियो निकाल के लाते हैं और उसमें से फिर सच्चाई ढूंढते हैं। नहीं चाहिए भैया ऐसे लोग, अपना काम ही करो इससे अच्छा, तो ये बहुत कड़वा सच है जो हर किसी से बर्दाश्त नहीं होगा, हजम भी नहीं होगा, बहुतों को तो हजम भी नहीं होगा। इस सोशल मीडिया पर कई टाइप के लोग होते हैं, एक तो होते हैं जो खाली दिखावा करते रहते हैं, उनको चाहिए बस खाली भीड़ चाहिए, फैन फॉलोइंग इतने लाइक इतने कमेंट आ गए, वो उस पर लगे रहते हैं, दम उनमें एक पैसे का भी नहीं होता, ये है सच। एक होते हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं है, अपने फोटो डालो अपना वो करो, हाँ वो दूसरे के फट्टे में टांग जरूर अड़ाने चले जाएंगे, भाई तू ये कर ये मत कर, शिक्षा बहुत देते हैं वो, और जब उनको बोल देना कि ऐसा करो करना है नहीं आएंगे। तो सोशल मीडिया वाले जो चौधरी ना सोशल मीडिया पर ही रह जाते हैं। यह है कड़वी सच्चाई, किसी का हजम होगी किसी का भी हजम नहीं होगी, और बोलो किसी का नहीं किसी का भी हजम नहीं होगी। आप लोगों को बोलते रहे भाई जो पंजाब की मुहिम थी उसको एक कर लो एक कर लो, लोगों को एक कर लो,
सुनाऊं कुछ अगर सुना जाए तो आप लोगों से, बाकी सुना तो नहीं जाएगा मेरे को पता है, सिर्फ सुन ही लेना, करना तो बहुत दूर की बात है, करने के लिए तो आपको रहने ही दो, कहना फजूल होता है, करना तो आपको वही है जो आप करते आए हो, या तो गालियाँ लिखो या सत सत नमन लिखो, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जिदे नाल पंजाब के 200 कॉलेज जुड़े हुए हैं उन्होंने केंद्र सरकार पंजाब के हथों खोल दिया पूरी तैयारियां कर चुकी है। पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 के 140 साल पुरानी यूनिवर्सिटी लाहौर के साडे पुरखियां ने बनाई सी ते वंड भी साडा उस यूनिवर्सिटी नालों नाता ना तोड़ सकी। साडे इधरले पंजाब के लोगों ने मुड़ इस यूनिवर्सिटी को खड़ा किया, 56 के चंडीगढ़ के इस यूनिवर्सिटी को बनाया ते सुनेंगे, लिखेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा, बस सर अभी दिखा सकते हैं इस लड़की का, इसलिए कलाकार ते समाजिक कारकुन दिते ने पंजाब दे खिते ली भाषा ली सभ्याचार ली सदा ही इस यूनिवर्सिटी ने काम किया है। तो उदों ही केंद्र सरकार आपके हत्थां दे विच इस यूनिवर्सिटी नूं लैणा चाहुंदी है ते फिर इस यूनिवर्सिटी दे विच हिंदी हिंदू हिंदुस्तान दे नारे दे हेठां जागना किसी को नहीं, ये हमारे कोई पता, कोई नहीं जागना चाहता। जे इस तरह हुंदा है तां पंजाबी सूबे दे लई पंजाबी भाषा दे लई इस यूनिवर्सिटी दे लई जिन्ने लोकां दीआं आखिर मैं भी फिर यही सोचूंगा किसको समझा रहा हूँ, जगना किसी को है ही नहीं, किसी को नहीं जगना, सबको बस अपनी गहरी नींद में सोना है, सोते रहो, कोई समस्या नहीं है, समस्या हमारा भी नहीं है, क्योंकि आप समस्या ढूंढोगे ना हर घर में समस्या मिल जाएगी, हर घर में समस्या ढूंढोगे तो निवारण के लिए बोल देना, कोई कुछ लिख कर चल देगा, कोई कुछ लिख कर चल देगा, आज्ञानी की हिम्मत नहीं होती किसी में, और यह सच्चाई है, और सच्चाई से आप लोग भाग रहे हो, भागो कब तक भागोगे हम भी देखते हैं, कब तक भागोगे, कितना भागोगे, कितने लोग आए जो तुम्हारे लिए कुर्बानियाँ दे के चले गए, तुमने कभी सोचा उनके बारे में, कभी नहीं सोचा, लोग कुछ लोग तो बस यही इंतज़ार करते हैं अगली कुर्बानी किसकी होगी, जाकर हम भी एक मोमबत्ती लगा कर आ जाए, नहीं चाहिए ऐसे मोमबत्ती वाले लोग, ऐसे मोमबत्ती वाले लोग ना अपने घर पर रहो आराम से, और वहीं पर अपना इंतज़ार करो भाई, तुम्हारी सोच एक जगह पर फिक्स है, बस अगला कौन होगा इस शिकार के उसमें रहते हो तुम चक्कर में, जिसकी समझ में आ जाए ना अब कमेंट वही करना, तो सही में साथ देना चाहता है वही कमेंट करना, वही मैसेज करना, ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत देख लिया, इसे ज़्यादा भुगतने का वो नहीं है, जब पूरे परिवार के ऊपर कोई बात आ जाती है ना फिर ठीक नहीं रहता, फिर नहीं है कि लोगों का इंतज़ार करेंगे, नहीं करना हमारे को किसी का इंतज़ार, शेयर करना मत करना, जिसने सुनना है सुनो, नहीं भी सुनना मत सुनो, देख लिया है कि सच्चाई कितनी है ये हमने ज़रूर देख लिया है, लोगों को नहीं जगना है, लोगों को मज़ा आ रहा है कीचड़ में लेटते हुए, मज़ा आ रहा है कीचड़ में ही लेटेंगे वो लोग फिर।